हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन स्टडी। यह है डाटा इंटरप्रिटेशन का टैबुलर डीआई का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले मैं लेक्चर नंबर 1 दे चुका हूं, जिन्होंने वो नहीं देखा है वो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उनको देख सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे आप हमको अप्रोच कर सकते हैं। तीनों का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्शंस को। डायरेक्शंस दी गई है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपेयर्ड एंड क्वालिफाइड इन अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ओवर द ईयर्स। यानी कि हमें 5 स्टेट्स दी गई हैं यहाँ पे, ठीक है। हमें 5 स्टेट्स दी गई हैं यहाँ पे, एम एन पी क्यू एन आर, और हमें डिफरेंट ईयर्स दिए गए हैं 1997, 1998, 1999। इनमें हमें दिया गया है कि कितने बच्चे अप्लाई कर रहे हैं और उन अप्लाई किए गए बच्चों में से कितने लोग क्वालिफाई कर रहे हैं। चलिए अब क्वेश्चन 1 पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फ्रॉम ऑल द स्टेट्स टुगेदर इन 1997। बात कर रहा है 1997 की, बात कर रहा है ये क्वालिफाइड की। इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फ्रॉम ऑल द स्टेट्स टुगेदर इन 1998। बात कर रहा है 1998 की, बात कर रहा है क्वालिफाइड की, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या कह रहे हैं। वो बच्चे जिन्होंने क्वालिफाई किया है 1997 में, वो कितने प्रतिशत है उन बच्चों के जिन्होंने क्वालिफाई किया है 1998 में। क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है तो मैं क्या करूँगा, इसको इंटू कर दूंगा 100 से। अब हमने बेसिकली इसकी कैलकुलेशंस करनी है। यह है 0 4 2 6 8 14 5 1907 26 2 कैरी 7 2 9 8 17 24 9 33 सॉरी 8 4160 4160। अपॉन क्या करना है, इसको ऐड करना है। यह है 0 8 5 13 2 15 4 19 4 23, ठीक है, ये 0 है हमारे पास, 2 कैरी यहाँ पे, 9 2 11 11 एंड प्लस 2 13 प्लस 2 प्लस 9 13 प्लस 9 हो गया 22, एंड 2 यहाँ पे कैरी, 1 2 3 और 2 5, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 5 2 3 0 इंटू 100। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 416 अपॉन 5 2 3 इंटू 100। ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 80% के करीब आएगा। आप सॉल्व करके खुद देखिएगा, ये 80% के करीब आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हाट इज द एवरेज कैंडिडेट्स हु अपेयर्ड फ्रॉम स्टेट क्यू ड्यूरिंग द गिवन ईयर्स। अब क्यू की बात कर रहा है और हमें बात क्या कर रहा है, एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपेयर्ड, जो अपेयर कर रहे हैं, अपेयर कर रहे हैं क्यू से। सबसे पहले क्या, 8100। फिर कितने हैं हमारे पास, 9500। फिर क्या हमारे पास, 8700। ये 0 है, ठीक है। फिर हमारे पास 9700, ठीक है, और लास्ट में हमारे पास 8950। 8950 या 50, ठीक है। 1 और 5 6 7 7 14 20 हो गया 29, 2 कैरी 8 2 10 19 19 और 8 27 और 8 35 और 9 35 और 9 हो गया 44। तो ये कितना आ गया, 44950। हम जानते हैं एवरेज की बात हो रही है, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। सम आ गया हमारे पास। अब टोटल कितनी थी हमारे पास, टोटल कितने ईयर है, 1 2 3 4 और 5, 5 साल है, 5 से डिवाइड कर दूंगा मैं, तो 5 8 40, तो 49 9 45 9 0, तो आंसर क्या आएगा, 8990। नेक्स्ट, ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कहता है, व्हाट इज द एवरेज कैंडिडेट्स हु अपेयर्ड फ्रॉम स्टेट आर ड्यूरिंग द गिवन ईयर्स। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्यू लिया था, इस क्वेश्चन में आर दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन सेम है बिल्कुल, तो इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर करेंगे खुद। करना कुछ नहीं है, मैं थोड़ा बता देता हूँ। ये अपेयर दिया है, इनको आपने ऐड करना है, और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वाला फॉर्मूला लगाकर एवरेज निकालनी है, और इसका आंसर नीचे आपने करना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फ्रॉम स्टेट एन फॉर ऑल द ईयर्स टुगेदर ओवर द कैंडिडेट्स अपेयर्ड फ्रॉम स्टेट एन ड्यूरिंग ऑल द ईयर्स। क्वेश्चन कह रहा है वो कितने बच्चे हैं जो क्वालिफाई कर रहे हैं एन से, अपॉन वो कितने टोटल बच्चे हैं जिन्होंने अपेयर किया है, इनटू 100। ये क्वेश्चन कह रहा है। इस डीआई को लेने का मेरा एक ही मकसद था, क्योंकि इस डीआई में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस है, तो आपको पता चल सके कि पेपर में कैसे डीआई आती है जिनमें कैलकुलेशंस बहुत इन्वॉल्व होती हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये कह रहा है क्वालिफाइड बच्चे जो एन के हैं वो लेते हैं हम, तो 840 है 1997 में।
1998 की बात करें तो 1050 है, 1999 की बात करें तो हमारे पास है 920, 2000 की बात करें तो वो है हमारे पास फिर से 980, फिर एंड में 1020। यहाँ पे हमें ध्यान से देखना होता है, गलतियाँ यहाँ पे क्या होती है कि हम नीचे वाले बॉक्स की कैलकुलेशन उठा लें गलती से या कुछ हो जाए, बस ये माइनर सी मिस्टेक हो सकती है या कैलकुलेटिव मिस्टेक हो सकती है। अगर हम इसको ध्यान से करें तो ये एक शॉर्ट शॉर्ट नंबर होते हैं हमारे, 4 और 5 9 2 11, 11 और 8 कितने हो गए 17, 17 और 2 19, ठीक है, एक कैरी, 9 9 18 9 27, 2 कैरी, और ये हो गया 4790, ठीक है, 4790 अपॉन क्या है अपेयर्ड, अपेयर्ड कहाँ पर है हमारे पास, अब ये रहे, अब अपेयर्ड का टोटल करते हैं 7500, ठीक है, 9200 एंड देन 8450, देन अगेन 9200 है 2000 के अंडर एंड फिर 2001 में कितना है 880, ठीक है, 0 5 ऐसे ही आ गया, 5 और 2 7, 7 4 11, 2 13 और 8 21, ठीक है, 7 और 2 9 9 18, 18 9 27 और 8 35, और ये 4 3 4 3 1 5 0, ठीक है, इनटू क्या करते हैं 100 क्योंकि हम जानते हैं परसेंटेज है, ये कैंसिल हो गया, ये क्या गया 4790 अपॉन कितना आ गया 4315। इसको हम सॉल्व करेंगे, डिवाइड करते हैं इसको अगर हम, तो ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली 11 point something आएगा अप्रॉक्स, ठीक है। मेरा मकसद यहाँ पे आपको सॉल्व करवाना नहीं है, मेरा मकसद आपको ये बताना है कि कैलकुलेशंस को कैसे परफॉर्म करना है और किस तरीके के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, क्या क्या फॉर्मूले बनते हैं। जैसे मैंने आपको परसेंटेज के फॉर्मूले बताए हैं, एवरेज के फॉर्मूले बताए हैं, रेशो के फॉर्मूले बताए हैं जो डीआई में यूज होते हैं। चलिए क्वेश्चन फिफ्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारे पास, द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स टू द टोटल नंबर ऑफ अपेयर्ड कैंडिडेट्स अमंग द 5 स्टेट इन 1999 इज, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि वो बच्चे जो क्वालिफाई कर रहे हैं 1999 में, वो कितने प्रतिशत है जो अपेयर हो रहे हैं 1999 में, प्रतिशत है तो मैं 100 लगा दूंगा। अब हम कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे, क्वालिफाइड को ऐड करते हैं, सबसे पहले 5 2 7 और 9 16 8 24 और ये 5 29, 2 कैरी, 8 2 10 19 19 और 8, 27 27 और 9, 36 और 3, 3 कैरी, ये आ गया 4, ठीक है, कितना आ गया मेरे पास 4990 अपॉन है अपेयर्ड, अपेयर्ड कितने हमारे पास, ये आ गया 5 और 0, ठीक है, 4 4 8 8 16 8 24, ठीक है, एक मिनट, हाँ 24, ठीक है, 24 और 6 24 और 36 और 1 31, ठीक है, 3 कैरी, ये हो गया 10 18 18 8 26, 26 में 9 डालूंगा 35, 35 में डालूंगा ये आ गया 42150, ठीक है, कितना आ गया 42150 इंटू क्या कर दिया मैंने 100। अब इसको हम करेंगे आगे सिंप्लीफाई, ये आ गया 499 और 42150 मैंने कैंसिल कर दिया, इसका आंसर है 11.84 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। अगर मेरे को इसे पेपर में सॉल्व करना होता मैं कैसे करता इसको, मैं इसको कर देता 500 अपॉन इसको कर देता 4200, ठीक है, और यहाँ पे 00, ये ज़ीरो कट जाता, ठीक है, तो आता 42 और ये आ गया 500, ठीक है, 42 500, तो ये 1000 आ गया 42, ठीक है, 80 ये आ गया, ठीक है, ये भी आ गया 1000, ठीक है, तो 42 आया, ये उतरा 8, 7 में से 4 गए 3 और ये, तो ये 8000, ठीक है। तो बेसिकली मेरा ये करवाने का आपको क्या मकसद है कि आपने इस पेपर में, जब भी पेपर में ये क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपने इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है और कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे पेपर के क्वेश्चंस हैं और मैं आपको तरीका दिखा रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस को आपने कैसे सिंप्लीफाई करना है और कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। और ये क्वेश्चंस वो है जो छोड़ने नहीं होते, ये बहुत ही बिगनर लेवल के क्वेश्चंस हैं, सामने सामने चीज़ें दिख रही है, सामने सामने उसके आंसर निकल रहे हैं, ये क्वेश्चंस अगर आप छोड़ेंगे तो आप कहीं से भी नंबर फेच नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस आपने कभी भी नहीं छोड़ने पेपर में। तो इस वीडियो से इतना ही, आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कीजिएगा जितना शेयर कर सकते हैं इसको। इन दी एंड थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।